स्टार्ट करते हैं नया आर्टिकल, लोकेशन ऑफ रूट्स। तो लोकेशन ऑफ रूट्स मतलब रूट को लोकेट करना, मतलब अगर कोई क्वाड्रेटिक फंक्शन दे रखा है तो उसके दो रूट रहे होंगे अल्फा बीटा, तो उनका लोकेशन पता करना, वो कहता है लोकेशन ऑफ रूट्स, ठीक है, नाम भी वही सजेस्ट कर रहा है। तो उससे पहले दो नोट हैं, ठीक है, उनको नोट डाउन कर लो कि इन ऑल टाइप्स ऑफ लोकेशन ऑफ रूट्स वी कंसिडर लीडिंग कोफिशेंट एज ऑलवेज पॉजिटिव, इन केस इट्स नॉट गिवन वी क्रिएट इट बाई डिवाइडिंग बाय लीडिंग कोफिशेंट। कहने का मतलब है कि क्वाड्रेटिक तो इस फॉर्म की हो सकती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, है ना। तो जो लीडिंग कोफिशेंट है ना उसको हमेशा पॉजिटिव हम अज्यूम करते हैं। इन केस अगर नहीं दिया है, मान लो ए नेगेटिव है, तो आपका पहला स्टेप होना चाहिए पूरी इक्वेशन को लीडिंग कोफिशेंट मतलब ए से डिवाइड कर देने का। तो इससे क्या होता है ना, ये ऐसा बन जाएगा, ये इक्वेशन बन जाएगा, इसका लीडिंग कोफिशेंट पॉजिटिव हो गया, अब हम प्रोसीड कर सकते हैं। अच्छा, क्यों पॉजिटिव मानने बोल रहा हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं हम ऐसे ग्राफ्स में ज़्यादा कंफर्टेबल है कंपेयर्ड टू दिस ग्राफ, है ना, इसीलिए। तो दूसरा नोट है कि जब भी हम लोकेशन ऑफ रूट्स के सवाल सॉल्व कर रहे होंगे, तीन कंडीशन पे ही हम बात करेंगे। एक डिस्क्रिमिनेंट पे, है ना, डिस्क्रिमिनेंट पे क्यों, देखो डिस्क्रिमिनेंट पे बात करना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि उससे पता चलता है रूट्स रियल है या नहीं। अगर रूट रियल ही नहीं हुए तो फिर कैसे लोकेट करोगे। तो डी पे बात करेंगे, वर्टेक्स पे बात करेंगे, वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट, जैसे अगर रूट है कुछ अल्फा बीटा, तो उसका जो वर्टेक्स है, ठीक है, उसका लोकेशन कहाँ है उसका हम यूज़ लेंगे उसमें। और तीसरा जो सवाल गिवन होगा, पॉइंट कोई गिवन होता है सवाल में, ठीक है, उस पर हम फंक्शन की वैल्यू चेक करेंगे। तो ये तीन कंडीशन हम चेक करेंगे हर टाइप में। तो टाइप वन है, कंडीशन फॉर अ नंबर के टू बी लेस देन रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस। अब देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ ऐसा बना होगा, दो रूट आए होंगे अल्फा बीटा, और के यहाँ पे लाया कर रहा है, ठीक है, के लेस होना चाहिए अल्फा बीटा से, ठीक है। तो सबसे पहला कंडीशन कि डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ठीक है, इससे क्या होगा, हमने ये स्पेसिफाई कर दिया कि रूट्स जो हैं रियल है, मतलब एग्जिस्ट करते हैं मार्केट में। दूसरा कंडीशन कि माइनस बी बाई टू है, ये जो है, ये जो एक्स कोऑर्डिनेट है माइनस बी बाई टू है, वो के राइट साइड में है। और तीसरा कंडीशन एफ ऑफ के इज़ पॉजिटिव, ठीक है, जो कि दिख भी रहा है ना। अच्छा, अब तुम देखो, अगर तुमने थ्री को ओमिट कर दिया तो क्या होगा। देखो, इफ इफ वी ओमिट थ्री, अगर तीन को ओमिट कर दिया तो क्या होगा, दो इक्वेशन बन सकती है ना। और ऐसा भी तो हो सकता है, देखो ये अल्फा है, ये बीटा है ना, ये मान लो माइनस बी बाई टू ए है यहाँ पे, है ना। और अगर तीन को हम हटा दें तो ऐसा ग्राफ भी तो बन सकता है ना। इसमें देखो, ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, डी ग्रेटर देन जीरो इक्वल टू जीरो, ठीक है, और ये भी इसमें सेटिस्फाई हो रहा है, माइनस बी बाई टू ए ग्रेटर देन के, है ना। तो ये तो डिजायर्ड ग्राफ नहीं है, इसलिए तीन इम्पॉर्टेंट है। सिमिलरली क्या होगा अगर तुम सेकेंड वाले को ओमिट कर दोगे, तो अगर सेकेंड वाला ओमिट हो गया तो ग्राफ तो ऐसा भी बन सकता है फिर, सेकेंड वाला अगर ओमिट कर दिए तो, के यहाँ हो गया मान लो और बीटा अल्फा यहाँ पे, अगर सेकेंड वाले को ओमिट कर दिए तो अभी भी तो ये दोनों कंडीशन जो बची है वो फुलफिल हो रही है, ठीक है, और वो डिजायर्ड ग्राफ तो है नहीं, ठीक है। और क्या होगा अगर वन को डिस्कार्ड कर दोगे, वन को डिस्कार्ड नहीं कर सकते क्योंकि फिर रूट रियल हो इमेजिनरी हो वो नहीं पता ना, ग्राफ फिर ऐसा भी बन सकता है, ऐसा है ना, के कहीं यहाँ हो और माइनस बी बाई टू है यहाँ पे, ठीक है। इसलिए तीनों कंडीशन नेसेसरी एंड सफिशियंट है, ठीक है, ये टाइप वन हो गया, ठीक है, इतना नोट करो। इस पे एक एग्जांपल ले लेते हैं, प्रॉब्लम देख लेते हैं।
इफ बोथ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स ए एक्स प्लस टू माइनस टू ए प्लस नाइन ए स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो एक्सीड द रियल नंबर थ्री फाइंड ए। सबसे पहले तो आप देखें इसका लीडिंग कोफिशियंट यूनिटी है, मतलब पॉजिटिव है, तो ग्राफ ऐसा बनना चाहिए। कैसा? ऐसा। इसके रूट्स होंगे कुछ अल्फा बीटा और एक्सीड द रियल नंबर थ्री, थ्री कहीं यहाँ लाया करना चाहिए। ठीक है, तो पहला कंडीशन तो हम लगा देते हैं डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो अगर तुम लगाओ तो इसका डी देखो कितना है, ठीक है, ऐसा होना चाहिए। तो ये कितना बन जाएगा, ये आ जाएगा ये पहला, ठीक है। तो इसको मैं, इसके करस्पॉन्डिंग आया ए ग्रेटर देन इक्वल टू वन, ठीक है। अब इसमें दूसरी कंडीशन लगा दो कि माइनस बी बाय टू ए इज़ ग्रेटर देन थ्री। तो दूसरी मैं कंडीशन लगा रहा हूँ, माइनस बी बाय टू ए जो होता है वो ग्रेटर देन थ्री होना चाहिए, है ना। तो लगाओ माइनस बी सिक्स ए अपॉन ये टू इज़ ग्रेटर देन थ्री। तो यहाँ से आपके पास आ गया ए ग्रेटर देन वन, तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा ए ग्रेटर देन वन, ठीक है। अब तीसरा कंडीशन क्या था, एफ ऑफ थ्री मस्ट बी पॉजिटिव, है ना, तीन पे वैल्यू फंक्शन का पॉजिटिव होना चाहिए। तो वो अब तीन रख दो इसमें, नाइन माइनस एटीन ए प्लस टू माइनस टू ए प्लस नाइन ए स्क्वायर शुड बी पॉजिटिव। तो आपके पास नाइन ए स्क्वायर माइनस ट्वेंटी ए प्लस इलेवन आ जाएगा, ये होना चाहिए। देखो इसका एक रूट वन दिख रहा है, ठीक है, तो ए माइनस वन रहा होगा एक फैक्टर, और नाइन ए माइनस इलेवन, ठीक है, ये होना चाहिए। तो सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा ये माइनस इन्फिनिटी से वन यूनियन इलेवन बाय नाइन से इन्फिनिटी। तो यहाँ से आपके पास रिलेशन आया इतना, जब तुम पहले का दूसरे का और तीसरे का इंटरसेक्शन लोगे ना तब फाइनल आंसर आएगा, क्योंकि तीनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए ना, तो हम इंटरसेक्शन लेंगे। इंटरसेक्शन तीनों का लोगे तो साफ दिख रहा है कि इंटरवल आएगा इलेवन बाय नाइन से इन्फिनिटी। तो ये आपका आंसर है, ठीक है, नोट कर लो। नेक्स्ट नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे जाते हैं, नेक्स्ट टाइप पे आते हैं। टाइप टू में कंडीशन फॉर अ नंबर के टू लाई बिटवीन द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस, ठीक है। अब ये टाइप हमने देखा हुआ है, कहाँ देखा है, अभी जो पिछला लेक्चर था उसमें मैंने क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक का जब रेंज आ रहा था उसमें मैंने कराया था, ठीक है। तो इसमें ऐसा ग्राफ बनेगा। अगर देखो सबसे पहले तो तुमने ए से डिवाइड कर लेना पूरे इक्वेशन को, क्योंकि ए पता नहीं है कि पॉजिटिव या नेगेटिव, ठीक है, के रूट्स के बीच में लाए कर रहा है, ठीक है। तो नेसेसरी एंड सफिशेंट कंडीशन इज दिस, बस इतना एक कंडीशन होना चाहिए तो सब फुलफिल हो जाएगा। क्यों? देखो अब हमने इसमें डिस्क्रिमिनेंट की बात क्यों नहीं की, डिस्क्रिमिनेंट की बात हमने इसलिए नहीं की क्योंकि देखो जब हम मान रहे हैं ना कि एफ के नेगेटिव है, अगर एफ के नेगेटिव है तो मतलब ग्राफ नेगेटिव पे कभी ना कभी गया होगा, और नेगेटिव पे ग्राफ कब जाएगा, जब वो पॉजिटिव से नेगेटिव, अगर नेगेटिव पे ग्राफ कभी ना कभी गया तो एक्स एक्सिस को कट करते हुए जाएगा ना। तो जब हम ये कंडीशन लगा रहे होते हैं तब हम वो ऑटोमेटिकली इंक्लूड हो जाता है कि रूट्स रियल रहे होंगे, ठीक है। तो डिस्क्रिमिनेंट की बात हम करते नहीं है। वर्टेक्स की बात क्यों नहीं करते, क्योंकि देखो वर्टेक्स का भी लोकेशन हमें पता नहीं है। देखो माइनस बी बाय टू ए कहीं यहाँ होगा, ठीक है, के यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, तो वर्टेक्स के किसी भी साइड हो सकता है के, तो हम इसलिए उसका बात नहीं करते। केवल इतने कंडीशन से प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो उस पर एक ये प्रॉब्लम है, ठीक है, ये खुद से करना, ठीक है। इसका आंसर आएगा पी लेस देन माइनस थ्री बाय फोर आता है, ठीक है, नोट कर लो इतना। नेक्स्ट आता है बोथ द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो लाई बिटवीन के वन एंड के टू, ठीक है। तो ग्राफ कुछ ऐसा बना होगा, ठीक है, ये अल्फा बीटा गलत बनाया है यहाँ पे, नहीं
ठीक है, बीटा का यहाँ होगा और अल्फा ये होगा, ठीक है, और ये के वन है और ये के टू है। तो सबसे पहले तो रूट्स को आप रियल करेंगे, ठीक है, उसके बाद जो वर्टेक्स का लोकेशन है, एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो के वन और के टू के बीच में लाया करना चाहिए। एफ ऑफ के टू पॉजिटिव आना चाहिए और एफ ऑफ के वन पॉजिटिव आना चाहिए। ये चार कंडीशन आपने लगानी है, ठीक है, और ऐसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व आप कर लेंगे, ठीक है। इसको नोट करो, फिर इस पर एक प्रॉब्लम करते हैं। तो प्रॉब्लम लेते हैं, फाइंड पी फॉर विच बोथ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस लाई इन -1, 7। तो लीडिंग कोफिशेंट यूनिटी है, तो ग्राफ ऐसा बना होगा, -1 का यहाँ पे, 1 यहाँ पे, और ये वर्टेक्स, ठीक है। तो पहला कंडीशन तो डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर दो। तो करो 2p-1 का होल स्क्वायर माइनस 16, 16 को 4² लिख देता हूँ, ठीक है, ये होना चाहिए। तो 2p-5 और ये 2p+3 आ जाएगा। तो यहाँ से आपके पास वैल्यू आ जाएगा p बिलोंग टू -∞ से -3/2 यूनियन 5/2 से इन्फिनिटी, ठीक है। तो ये आपके पास पी का वैल्यू आ गया। ठीक है, इसके करस्पॉन्डिंग अब दूसरा कंडीशन लगा दो कि -b/2a जो है, मतलब 1 -2p/2 जो है वो इन दोनों के बीच में होना चाहिए, है ना। तो दिस इज ऐसा बन जाएगा, ठीक है, 1 वहाँ ले जाओ, ठीक है, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, तो 2p जो है ऐसा बन जाएगा, ठीक है, 2 से भी भाग दे दो, ठीक है। तो सेकेंड इक्वेशन जो आया था, सेकेंड कंडीशन जो है, ये फर्स्ट कंडीशन, इसको हटाई दो, फर्स्ट कंडीशन ये, सेकेंड कंडीशन -1/2 से, ठीक है। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट पे बात कर लिया, वर्टेक्स पे बात कर लिया, आप पॉइंट्स पे बात करते हैं। तो एफ ऑफ -1 मस्ट बी पॉजिटिव एंड एफ ऑफ 1 मस्ट बी पॉजिटिव, है ना। तो पहले -1 के लिए निकालते हैं, तो ये हो जाएगा 5, -1 रखा है, ठीक है, -2p+1 शुड बी पॉजिटिव, है ना। तो आपके पास आ जाएगा p<3> आ जाएगा, है ना। और 1 रखोगे, 1 रखोगे तो 4 2p, 2p+4 इज पॉजिटिव, ठीक है, 5 -1 4, 4 और 2p, ठीक है, p>-2 आ जाएगा, ठीक है। तो थर्ड कंडीशन आपके पास आ गया p>-2, फोर्थ कंडीशन है पी दिस थिंग, ठीक है। अब इन सब का इंटरसेक्शन आप ले लीजिए, है ना, नंबर लाइन ड्रॉ कर दो। फाइव बाय टू यहाँ पे, -3/2 यहाँ पे, 3/2 यहाँ पे, -1/2 यहाँ पे, ठीक है, -2 यहाँ पे और 3 यहाँ पे। पहला कंडीशन क्या बोल रहा है, -∞ से आते आते -3/2, ठीक है, यहाँ पे, और ये 5/2 से इन्फिनिटी, पहला हो गया। दूसरा कंडीशन ये बोल रहा है, ठीक है, तीसरा कंडीशन क्या बोल रहा है, खैर यहीं पे हमें रुक जाना चाहिए क्योंकि इंटरसेक्शन कुछ आएगा नहीं, ठीक
ठीक है। थर्ड कंडीशन, पी जो है वो -2 से बड़ा होना चाहिए, तो ये। चौथा कंडीशन, 3 से छोटा। तो देखो कहीं भी इंटरसेक्शन नहीं आ रहा है, तो मतलब पी बिलोंग टू 5 हो जाएगा। ठीक है, कोई ऐसा पी एग्जिस्ट नहीं करेगा जिसके लिए रूट्स जो है -1 से 1 में लाया करें। ये तो हो गया कि ऐसे कर दिया, देख के भी कर सकते हो। कैसे? तुम देखो जो इक्वेशन दे रखी है, तो कांस्टेंट टर्म क्या है? 4 है ना, 4 है। कांस्टेंट टर्म क्या कहलाता है? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, है ना। अब तुम खुद सोचो, अगर दोनों रूट -1 से 1 के बीच में लाए कर गए, तो क्या प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कभी 4 आएगा? कभी नहीं आएगा। तुम ऐसे भी कह सकते थे कि देयर इज नो सच पी, है ना, तो वहाँ से भी आ जाएगा। नेक्स्ट टाइप पे आते हैं, बोथ नंबर्स के वन एंड के टू लाई बिटवीन द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसमें भी दो ही कंडीशंस है केवल। डिस्क्रिमिनेंट पे बात हमने इसलिए नहीं की क्योंकि जब किसी पॉइंट पे नेगेटिव आउटपुट दे दिया क्वाड्रेटिक फंक्शन, इसका मतलब वो कभी ना कभी एक्स एक्सिस को कट किया ही होगा, इसलिए डी का बात नहीं करते। वर्टेक्स का बात क्यों नहीं करते? क्योंकि हमें नहीं पता K1 K2 के रिलेटिव वर्टेक्स कहाँ है, तो कहीं भी हो सकता है ना। तो इन दो कंडीशन से हो जाएगा काम। ठीक है, इसको नोट कर लो, फिर एक प्रॉब्लम लेते हैं इस पर। प्रॉब्लम पे आते हैं, लेट ए कॉमा बी बी द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x² - 2x + 1 - k² = 0 एंड सी कॉमा डी बी द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन दिस सच दैट ए कॉमा बी इज कंटेंड इन सी कॉमा डी, फाइंड के। अच्छा, सबसे पहले तो जो पहली इक्वेशन है उसको ध्यान से देखो, वो ये दे रखा है। ठीक है, इसको तुम ध्यान से देखो तो ये ऐसा लिखा है, x - 1 का होल स्क्वायर - k² = 0। इसको लिख सकते हो x - 1 का होल स्क्वायर = k² दोनों साइड स्क्वायर रूट लोगे तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा। तो x की हमारे पास दो वैल्यू आई, 1 + -k। ये क्या है? ये इसके रूट है, इसका एक रूट है 1 + k, एक रूट है 1 - k। ठीक है, इसी को इन्होंने ए बोला है, इसको बी बोला है। ठीक है, अब एक और क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, ये अब इसका लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो ग्राफ ऐसा बना होगा, और इसके भी सॉल्यूशंस एग्जिस्ट कर रहे हैं सी और डी। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ए कॉमा बी जो है वो यहाँ लाए कर रहा है। ठीक है, ए बी यहाँ लाए कर रहा है। ठीक है, तो ये टाइप 4 का सवाल है। अब इसमें कंडीशन लगा दो कि इसको अगर मैं GX बोलूँ, इसको इतने हिस्से को, तो कंडीशन क्या है? जी ऑफ ए मस्ट बी नेगेटिव एंड जी ऑफ बी मस्ट बी नेगेटिव। तो पहले बार इसके इसके जगह ए के जगह ये रखो 1 + k, जी ऑफ 1 + k को करो, इससे एक इनइक्वालिटी आएगा। दूसरे में 1 - k रखो, उससे एक इनइक्वालिटी आएगा। ठीक है, दोनों को सॉल्व करो, इंटरसेक्शन ले लेना। ठीक है, तो आपके पास आंसर कुछ ऐसा आएगा, k बिलोंग टू -1/4 से 1। ये खुद ट्राई करना। ठीक है, इतना नोट करो। टाइप 5 पे आते हैं, एग्जैक्टली वन रूट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c इज इक्वल टू 0 लाई इन इंटरवल ओपन ब्रैकेट k1, k2। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट केस है। ठीक है, तो इसमें नेसेसरी सफिशेंट कंडीशन एक ही है, f(k1) × f(k2) मस्ट बी नेगेटिव। ठीक है, डी का बात इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि देखो अगर दो आउटपुट का प्रोडक्ट नेगेटिव है, इसका क्या मतलब है? कोई एक ना एक आउटपुट नेगेटिव रहा होगा, और अगर एक ना एक आउटपुट नेगेटिव रहा होगा तो ज़रूर क्वाड्रेटिक फंक्शन एक्स एक्सिस को कट करके गया होगा। ठीक है, हाँ, तो मैं बता रहा था कि डिस्क्रिमिनेंट क्यों नहीं देखते, वो समझ आ गया। अब देखो, अब वर्टेक्स इसलिए नहीं देखते क्योंकि, हाँ, तो वर्टेक्स का बात इसलिए नहीं करते क्योंकि हमें अगेन वर्टेक्स का रिलेटिव पोजीशन नहीं पता है k1 और k2 से। ठीक है, तो और पॉइंट्स पे ही हम डिस्कशन करते हैं। अब देखो, एक पॉइंट है कि चेक सेपरेटली फॉर पॉइंट्स k1 एंड k2। देखो, ऐसा भी हो सकता है कि k1 या k2 रूट्स हो जाए क्वाड्रेटिक फंक्शन के। देखो,
ये के वन है और ये के टू है, ठीक है। ऐसा ग्राफ भी तो पॉसिबल है ना। देखो इसमें भी तो एग्जैक्टली एक ही रूट लाया कर रहा है, क्लोज ब्रैकेट के वन से क्लोज ओपन ब्रैकेट के वन से ओपन ब्रैकेट के टू। देखो देखो एक रूट इसका के वन है, अल्फा के वन है और बीटा कुछ है, मान लो ओमेगा मान लो। तो क्लोज इंटरवल जब तुम, क्लोज कह रहा हूँ, ओपन इंटरवल जब तुम कंसिडर करते हो तो तुम के वन पॉइंट को थोड़ी लेते हो, तुम तो इस पॉइंट को लोगे ना। देखो इस इंटरवल में के वन लाया करता है क्या, इस इंटरवल में ओपन ब्रैकेट नहीं करता। तो अगर ऐसा ग्राफ बन गया जिसमें के वन है रूट और एक रूट ऐसा हो गया, तो ये भी तो एक्सेप्टेबल ग्राफ है ना, क्योंकि इस ग्राफ में एक ही रूट लाया कर रहा है के वन से के टू ओपन ब्रैकेट में, ठीक है। सिमिलरली ऐसा ग्राफ भी पॉसिबल है, ये के टू हो गया है ना, ये के वन हो गया है ना। तो इसमें भी देखो के वन से के टू में एक ही रूट लाया कर रहा है बीच में, तो ये ग्राफ भी एक्सेप्टेबल है। ये देखो इस कंडीशन में ना, ये जो कंडीशन दे रखी है उसमें ये दो ग्राफ कवर नहीं होते। क्यों नहीं होते, क्योंकि इन दो ग्राफ पे ना प्रोडक्ट जीरो आ जाएगा, क्योंकि देखो के टू पे फंक्शन का आउटपुट जीरो है, इसमें के वन पे जीरो है। इस कंडीशन में ये दो ग्राफ जो है वो चेक नहीं हो पाते, तो ये तुमको अलग से करना पड़ेगा, ठीक है। आई होप इतना समझ आया होगा, नोट कर लो। फिर एक प्रॉब्लम लेते हैं, इस पे प्रॉब्लम पे आते हैं। इफ एग्जैक्टली वन रूट, एग्जैक्टली वन रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस लाइज इन दिस, ठीक है, फाइंड रेंज ऑफ ए। अच्छा ठीक है, लीडिंग कोफिशिएंट क्वाड्रेटिक फंक्शन का देखो पॉजिटिव है, तो ग्राफ जरूर ऐसा बना होगा। अब उसने बोला एग्जैक्टली एक रूट लाया करना चाहिए 0 से 3 में, तो एक डिजायर्ड केस है और ये एक डिजायर्ड केस है। इन बोथ केसेस अगर मैं इसको एफ एक्स नाम दूँ तो एफ ऑफ 0 × f(3) नेगेटिव है, तो बस ये कंडीशन लगा दो। तो 2a × f(3), ठीक है, f(3) कितना हो जाएगा, 9 माइनस ये 3 6, ठीक है, माइनस ए, तो यहाँ से आपके पास 9a ये ऐसा आ जाएगा। तो आप कह सकते हैं ए बिलोंग करेगा माइनस इन्फिनिटी से 0 यूनियन 6 से इन्फिनिटी। लेकिन आप, आपको चेक करना पड़ेगा कि कहीं ग्राफ ऐसा ना बन जाए, या ग्राफ ऐसा ना बन जाए, है ना। तो चेक करते हैं ये ग्राफ कब बनेगा, जब रूट क्या हो, क्वाड्रेटिक फंक्शन का 0। तो अगर इसका रूट 0 हो तो हम वो देखते हैं ग्राफ कैसा बनेगा। तो कंसिडर करो इसका एक रूट 0 है, तो 0 पुट करोगे तो आउटपुट 0 आना चाहिए, तो वहाँ से a 0 आ जाएगा। तो एफ एक्स आपके पास आ जाएगा x² - x, x × x - 1। तो ग्राफ आपका कैसा बन जाएगा, एक रूट 0 बन जाएगा, एक रूट 1 बन जाएगा, ठीक है, ऐसा ग्राफ बन जाएगा आपका। अब ये तो एक्सेप्टेबल है, ठीक है, तो इसका मतलब 0 इंक्लूड हो जाएगा हमारे आंसर में, ठीक है। अब चेक करते हैं कि ग्राफ कैसा बनेगा जब √3 हो, तो f(3) 0 होना चाहिए, ठीक है, f(3) को 0 कर दो, तो 9 - 3a - 3 + 2a मस्ट बी 0, है ना। तो a आपके पास 6 आ जाएगा, a अगर 6 आ गया तो fx क्या आ जाएगा, x² - 7x 6 है ना, +12, तो आपके पास x - 6 और x - 1 आ जाएगा। सॉरी क्या कर दिया है, x-4 x-3,
ये आपका 4 और 3, इसके रूट्स आ जाएंगे। तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, 3 यहाँ रहेगा, 4 यहाँ रहेगा और 0 यहाँ। अब ये केस तो फेल हो गया क्योंकि इसमें तो रूट लाई नहीं कर रहा ना 0 से 3 में, तो ये आपका रिजेक्ट हो जाएगा, तो 6 को हम इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, तो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी से 0 क्लोज ब्रैकेट, 0 को इंक्लूड करना है, यूनियन 6 से इन्फिनिटी। ठीक है, नोट करो, फिर इसका एक दूसरा अप्रोच देखते हैं। अच्छा, दूसरा मेथड जानने से पहले एक चीज़ बताना था, अगर मैं तुम्हें इक्वेशन दूँ 2x-5 इज इक्वल टू x-3, तो ये तो तुम सॉल्व कर ही लोगे, है ना, या 2x+5 कर लो उसको, 2x+5 इज इक्वल टू x-3। तो अगर मैं बोलूँ कि इसको सॉल्व करो, तो तुम झट से बोल दोगे कि यहाँ से x जो है -8 आएगा, लेकिन ये x इज इक्वल टू -8 का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है सॉल्यूशन का कि इसको y अज्यूम करो, ठीक है, इतने को y के इक्वल करो, इसको भी y के इक्वल करो, ठीक है, और दोनों का ग्राफ खींचो। ठीक है, ग्राफ खींचोगे, x-3 का ग्राफ कुछ ऐसा आएगा और 2x+5 का ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, है ना, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। ठीक है, इतना तो ये दो ग्राफ तुमने खींच लिए। ठीक है, और ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो होता है ना, उसका जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है ना, बेसिकली तुमको किसकी तलाश है, एक्स की तलाश है, तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसका जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है ना, वो होता है सॉल्यूशन। जैसे मैंने अगर लिखा 2x+5 इज इक्वल टू x-3, तो सॉल्यूशन का मतलब क्या है? सॉल्यूशन का तो ये मतलब है ना कि हमें ऐसा एक्स मिले, मान लो x1, एक ऐसा एक्स मिला जिस पे इसका आउटपुट और इसका आउटपुट सेम हो, हम तो यही फाइंड कर रहे हैं ना। तो जब दोनों का ग्राफ खींचते हो, तो जो इंटरसेक्शन पॉइंट आता है उस पे तो आउटपुट सेम ही रहता है ना दोनों फंक्शन का, तो बेसिकली तुम उस एक्स का तलाश कर रहे होते हो जिस पे आउटपुट सेम हो। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का जो एब्सिसा होता है, एक्स कोऑर्डिनेट होता है, उसको सॉल्यूशन बोला जाता है। ठीक है, इतना समझ आया कि सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? ठीक है, इतना नोट करो, फिर हम उसका ग्राफ वाला मेथड देखते हैं। ग्राफ से करते हैं इसको, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैंने एक टेक्निक बताया था, पैरामीटर्स को अलग करो और नॉन क्वाड्रेटिक को अलग करो। तो नॉन क्वाड्रेटिक ये है और पैरामीटर वाला फंक्शन ये है, तो इसको आप लिख लीजिए x इंटू x-1 इज इक्वल टू a इंटू x-2। ठीक है, अब क्या करो, LHS RHS का ग्राफ प्लॉट करते हैं हम। ठीक है, LHS का जो ग्राफ होगा वो, उसका रूट क्या है, 1 0 है, 1 1 है, ग्राफ ऐसा बन जाएगा। एक ये ग्राफ बन गया LHS का, x इंटू x-1। अब तुम देखो, ये एक पॉइंट 2 है और ये पॉइंट 3 है। ठीक है, उसने बोला है रूट मस्ट लाए, एग्जैक्टली 1 रूट मस्ट लाए इन 0 2 3। ठीक है, तो RHS का तुम जब ग्राफ बनाओगे ना, तो तुम देखो RHS ना हमेशा 2,0 से पास करेगा, क्योंकि 2 पे RHS का आउटपुट 0 है, तो लाइन जैसा भी हो यहाँ से तो ज़रूर पास करेगा। तो मैं एक लाइन बना देता हूँ ऐसे ही फ्री हैंड से, ऐसा। ठीक है, ये लाइन है, ए इंटू x-2 का ये लाइन है। ठीक है, अब तुम देखो, एक रूट ये आया, इसको मैं नाम दे देता हूँ x1, एक रूट कहीं वहाँ आएगा नेगेटिव साइड पे, जब ये आगे जाके ऐसा ये लोग मीट करेगा, तो एक पॉइंट कहीं आएगा x2 पे। तो क्या ये ग्राफ एक्सेप्टेबल है? क्यों? क्योंकि देखो, एक रूट तो आ गया ना 0 से 3 में,
इसी को तो रूट बोलोगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के एब्सिसा को। और दूसरा रूट गया कहीं जहाँ भी जाना था, तो एक रूट तो आ गया 0 से 3 में, ठीक है। अच्छा 3 पे वैल्यू देखो कितना आ रहा है, वो जो हमने पैराबोला बनाया उसका 3 पे इसका वैल्यू देखो 6 आएगा। ये पॉइंट है 3,6, ठीक है। अच्छा अगर मैं तुमसे पूछूं कि क्या ये लाइन एक्सेप्टेबल है, अगर मैं ये लाइन खींच दूं तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है क्योंकि रूट ही नहीं आया ना, ठीक है। क्या ये लाइन एक्सेप्टेबल है अगर मैं इनको ज्वाइन कर दूं यहाँ से, क्या ये लाइन एक्सेप्टेबल है? जी नहीं, ये भी लाइन एक्सेप्टेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें देखो 1√3 आ गया, ठीक है। रूट जो है एक एग्जैक्ट 3 आ गया, और दूसरा रूट कहीं आगे ही आएगा, ठीक है। ग्रेटर देन 3 आएगा और दूसरा रूट ग्रेटर देन 3 आएगा, ठीक है। तो अब एग्जैक्टली 1 रूट तो इसमें लाया नहीं किया ना, 0 से 3 में, 0 और 3 के बीच में होना चाहिए था, लेकिन ऐसा तो है नहीं। अच्छा अगर मैं तुमसे पूछूं क्या ये ग्राफ एक्सेप्टेबल है, ये तुम्हारा आंसर होगा हाँ। 1 रूट आ गया 0 से 3 में, देखो तुम देखो इसको, ये 0 से 3 में लाया कर गया, और दूसरा रूट कहीं आया होगा दूर नेगेटिव में, ठीक है। क्या ये लाइन एक्सेप्टेबल है? हाँ है, ये आ गया ना एक, और एक नेगेटिव कहीं गया। अब क्या करते हैं, लाइन को पूरा लेटा देते हैं, ठीक है। पूरा लेटा दिया लाइन को, ये है लाइन, है ना। देखो लाइन को पूरा लेटा दिया, क्या ये लाइन एक्सेप्टेबल है? हाँ है, क्योंकि देखो 1 रूट तो ये आया, दूसरा रूट ये आया, दूसरा रूट 0 आ गया और 1√1 आ गया, ठीक है। 1, अब 0 से 3 में देखो एग्जैक्टली 1√1 तो लाए कर रहा है ना, 0 को इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि ओपन ब्रैकेट है ना, तो ये लाइन एक्सेप्टेबल हो जाएगा। क्या ये लाइन एक्सेप्टेबल है? ये ऐसा, ये जो पॉइंट आया नहीं, एक्सेप्टेबल नहीं है क्योंकि इसमें दोनों रूट लाए कर गए 0 से 3 में। तो तुम्हें नहीं लगता तुम ऐसा ऐसा लाइन खींच रहे थे, पहले तुमने ऐसा खींचा, फिर उसको थोड़ा क्लॉकवाइज रोटेट किया, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया, फिर एंटी क्लॉकवाइज। लिमिटिंग केस क्या है? लिमिटिंग केस देखो ये वाला है, ये जो है, जो 2,0 और 3,6 को ज्वाइन कर रहा है, इसका स्लोप अगर तुम निकालो तो कितना आएगा, 6 - 0/3 - 2, 6। इसका स्लोप 6 आ गया। अब तुम जैसे जैसे लाइन को एंटी क्लॉकवाइज टिल्ट करोगे, डिजायर्ड केस बनते जाएंगे, है ना, वो अभी मैंने समझाया। तो डिजायर्ड केस बनते गए बनते गए बनते गए, तुम घुमाते जा रहे हो घुमाते जा रहे हो, कहाँ तक घुमाया, जब तक पूरा लाइन लेट नहीं गया। जब पूरा लाइन लेट गया उसके बाद अगर थोड़ा और टिल्ट करोगे ना, तो दोनों रूट आ जाएंगे 0 से 3 में, और वो हमें चाहिए नहीं। तो यहाँ पे स्लोप 6 था, तुमने टिल्ट किया एंटी क्लॉकवाइज, और अगर स्लोप पॉजिटिव है और तुम उसको और टिल्ट कर रहे हो एंटी क्लॉकवाइज, तो वो बढ़ता जाता है टैन फंक्शन, क्योंकि का आइडिया होगा तुमको, जैसे जैसे एंगल बढ़ा रहे हो वो इन्फिनिटी हो जाएगा। तो इसको तुम बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए, जब तक ये परपेंडिकुलर नहीं हो गया तब तक बढ़ाए, तो तुम स्लोप स्लोप बढ़ा रहे हो ना। और स्लोप क्या है, बेसिकली ए ही स्लोप है। तो ए को तुम 6 से चालू किए, 6 मत लेना, क्योंकि 6 अगर ले लिए तो फिर √3 आ जाएगा, है ना, और 1√3 से बढ़ा। तो 6 6 लिमिटिंग केस था, 6 से तुम बढ़ाना चालू किए इन्फिनिटी तक गए, जब तक लाइन परपेंडिकुलर नहीं हो गया। लाइन परपेंडिकुलर हो गया, अब परपेंडिकुलर से थोड़ा सा, बस जरा सा और टिल्ट करते हैं ना एंटी क्लॉकवाइज, तो वो माइनस इन्फिनिटी पे चले जाता है यूनियन। फिर तुम माइनस इन्फिनिटी पे चले गए स्लोप को लेके, और माइनस इन्फिनिटी से जब तुम 90 डिग्री स्लोप है ना, जब मतलब जब पूरा लाइन परपेंडिकुलर है, तब तुम अगर एंटी क्लॉकवाइज और घुमाते हो
तो लाइन का जो स्लोप है वो जीरो के तरफ जा रहा होता है, मतलब बढ़ रहा होता है बेसिकली। तो तुम जब परपेंडिकुलर ऐसा लाइन हो गया, उसके बाद तुम और टिल्ट किए और टिल्ट किए, कब तक टिल्ट किए, जब तक वो पूरा लेट नहीं गया। तो जब लेट जाता है तब स्लोप जीरो होता है। और जीरो को भी एक्सेप्ट हमें करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने अभी बताया जीरो पे एक रूट जीरो आ गया, एक वन आ गया, वन लाए कर रहा है, जीरो को हम लेंगे नहीं क्योंकि वो जीरो से थ्री में लाए नहीं करता। तो फाइनल आंसर आपका हो जाएगा ए बिलोंग टू माइनस इन्फिनिटी से जीरो यूनियन सिक्स से इन्फिनिटी। और आप देखिए हमने जो सॉल्व किया था उससे भी यही आया था। तो ग्राफ से आप इसको ऐसे देख सकते हैं, ठीक है, नोट कर लो। नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम, इफ एग्जैक्टली वन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एम प्लस टू एक्स प्लस फाइव एम इज इक्वल टू जीरो लाइज इन 0 to 4, फाइंड रेंज ऑफ एम। ठीक है, तो ग्राफ कुछ ऐसा बन सकता है, जीरो यहाँ, चार यहाँ, या जीरो यहाँ, चार यहाँ, है ना। इन बोथ केसेस वी अप्लाई द सेम लॉजिक, मतलब सेम कंडीशन, कि एफ ऑफ जीरो इंटू एफ ऑफ माइनस फोर प्लस फोर सॉरी शुड बी नेगेटिव, है ना। लगाओ तो एफ ऑफ जीरो तो 5 m है, फोर क्या है, 16, ठीक है, ये होना चाहिए। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा m का वैल्यू -8 से 0। लेकिन आपको अब चेक करना पड़ेगा कि कहीं ग्राफ ऐसा तो नहीं बन रहा है। 0 to 4 देखो क्लोज दिया है, ठीक है, ध्यान रहे क्लोज है, कहीं ग्राफ चेक करो कि 0 या 4 कहीं रूट तो नहीं है। सो केस वन, लेट एक्स इज इक्वल टू 0 बी सॉल्यूशन। तो इससे m इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, क्योंकि x इज इक्वल टू 0 रखोगे तो इक्वेशन बनेगा 5m = 0, तो m 0 आ जाएगा। तो उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x = 0। इसका जब तुम ग्राफ बनाओगे तो ऐसा बनेगा 0 2। अब तुम खुद सोचो, 0 और 4 यहाँ है, 0 से 4 क्लोज में, क्लोज इंटरवल है, 0 से 4 क्लोज में इसके कितने रूट लाए कर रहे हैं, 2 रूट लाए कर रहे हैं, एक तो 2 खुद और एक 0 भी लाए कर रहा है, क्योंकि क्लोज है ना, तो 0 को भी कंसिडर करेंगे, तो इसमें तो दोनों रूट लाए कर गए, तो m इज इक्वल टू 0 रिजेक्ट हो जाएगा। केस टू, लेट x इज इक्वल टू 4 बी द सॉल्यूशन। 4 रखो तो 16 - 8, m - 8 आ गया। m अगर -8 आया तो फंक्शन क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर -8 आया ना, तो +6x 40 इज इक्वल टू 0। तो एक्स प्लस एट ये कितने में ब्रेक हो जाएगा, एक मिनट, इसमें क्या रखा था, 4 रखा था, 16 - 8, ठीक है, एम -8 आया, ठीक है, -8 + 2 -6x + 5 m, ठीक है। तो अब इसको स्प्लिट करो तो एक्स -10, ठीक है, x + 10 सॉरी, x - 4 इसमें स्प्लिट हो गया। तो इसका ग्राफ अगर तुम बनाना चाहो तो ये -10 हो गया, ये 4 हो गया, और 0 यहाँ हो गया। अब तुम खुद सोचो, 0 to 4 क्लोज में क्या इसका एग्जैक्टली एक रूट लाए कर रहा है, 0 to 4 में क्या इसका एग्जैक्टली एक रूट लाए कर रहा है, हाँ कर रहा है, जो कि x इज इक्वल टू 4 है, क्लोज है ना, तो ये एक्सेप्ट हो जाएगा। तो मतलब m इज इक्वल टू -8 एक्सेप्ट हो जाएगा, मतलब यहाँ क्लोज आ जाएगा। तो आंसर आपका ये है, ये आपका आंसर है, नोट कर लो, फिर ग्राफ से देखते हैं इसको। ग्राफ से इसको देखते हैं,
पैरामीटर्स अलग कर लो, क्वाड्रे और नॉन क्वाड्रेटिक अलग कर लो। ये नॉन क्वाड्रेटिक है और ये कितना बन जाएगा, एम एक्स माइनस 5m, ठीक लिख रहा हूँ ना। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू एम एक्स माइनस 5a बन जाएगा, ठीक है। अब देखो एग्जैक्टली 1 रूट इन 0 टू 4 है ना, 0 टू 4 में ओनली 1 रूट मसला है, ठीक है, लिख लिया बगल में। इस क्वाड्रेटिक का तुमको ग्राफ पता है, ठीक है, ये और ये, ये 0 a 2, ये जो लाइन है ये हमेशा 5, 0 से पास करेगा, ठीक है। ये है 5, हमें क्या चाहिए, एग्जैक्टली 1 रूट मस्ट लाई इन 0 टू 4। 4 का यहाँ होगा, 4 पे इसका आउटपुट देख लेते हैं, 8 आएगा। तो ये जो लाइन है ये बेसिकली है 4, 8, ठीक है। लाइन 5, 0 से पास करेगा, ठीक है। देखो लिमिटिंग केस ले रहा हूँ, ये लाइन, ठीक है। इस पे देखो ये है 5, 0। अगर तुम इस लाइन को, ये जो लाइन है, इसको क्लॉकवाइज रोटेट कर दिए तो लाइन ऐसा बन जाएगा, क्लॉकवाइज रोटेट करने का बता रहा हूँ, ऐसा बन जाएगा लाइन, है ना। देखो ये लाइन है, इसको क्लॉकवाइज रोटेट करो तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, ऐसा। क्या ये ग्राफ एक्सेप्टेबल है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एक रूट जो है 4 के बाहर चला गया, देखो ना, ये 4 के बाहर चला गया ना, यहाँ पे कहीं आएगा ये पॉइंट, 4 के बाहर चला गया, और दूसरा रूट कहीं इन्फिनिटी, इन्फिनिटी कह रहा हूँ, कहीं वहाँ पे चला गया नेगेटिव में कहीं, ठीक है। तो ये ग्राफ एक्सेप्ट नहीं कर सकते हम, ठीक है। तो हमें क्लॉकवाइज तो रोटेट नहीं करना है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करके देखो, क्या ये ग्राफ एक्सेप्टेबल है? हाँ है, क्योंकि देखो एक रूट 0 से 4 के बीच में लायक कर गया। तो तुम लिमिटिंग केस को लो और एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना चालू कर दो। कब तक रोटेट करोगे? जब तक अगेन लाइन लेट ना जाए पूरा, है ना। क्योंकि लाइन जैसे ही पूरा लेट जाएगा तब तुम्हारे पास रूट आएंगे 0 और 2। हालांकि देखो लाइन लेट गया, ठीक है, इसके बाद जब और करोगे ना टिल्ट एंटी क्लॉकवाइज, तो दोनों रूट 0 से 4 के बीच में आ जाएंगे। लेकिन उसने क्या बोला था, ओनली 1 रूट। तो तुम्हें इस लाइन से चालू करना है, ठीक है, उसको टिल्ट करते जाना है, जब तक वो पूरा लेट ना जाए। इस लाइन का स्लोप क्या है? -8 है। ये जो लिमिटिंग एम एल, मतलब लिमिटिंग जो है उसका वैल्यू क्या है, लिमिटिंग स्लोप एम क्या है, एम इज़ बेसिकली स्लोप, ठीक है। तो -8 क्या क्या, अच्छा लिमिटिंग केस वाला जो लाइन है वो एक्सेप्टेबल है कि नहीं? वो एक्सेप्टेबल है, क्यों? क्योंकि देखो जब तुम लिमिटिंग वैल्यू वाला लाइन खींच रहे हो तब तुमको एक रूट 4 मिलेगा और दूसरा रूट कहीं नेगेटिव में मिलेगा। तो 0 टू 4 में एक रूट तो लाया कर गया ना, 4, 4 तो इस इंटरवल में है। तो तुम -8 से चालू हो जाओ और अब टिल्ट करते जाओ। अब क्योंकि स्लोप पहले से नेगेटिव है, उसको और टिल्ट करोगे तो वो बढ़ना चालू करेगा। तो वो बढ़ रहा है जब तक वो लेट ना जाए 0। अब तुम्हें डिसाइड करना है 0 पे क्लोज आएगा या ओपन। देखो 0 के बाद टिल्ट नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि
क्योंकि जीरो जीरो के बाद टिल्ट करोगे तो फिर वो वही हो जाएगा कि दोनों रूट आ जाएंगे जीरो से फोर में। तो जीरो पे क्लोज आएगा या ओपन वो चेक करते हैं। जीरो हो गया तो तुम्हारे पास रूट आया जीरो और टू। अब तुम देखो ये दोनों जीरो और टू तो दोनों लाए कर रहे हैं ना इसमें जीरो टू फोर में, तो जीरो एक्सेप्ट नहीं होगा तो यहाँ पे क्लोज आ जाएगा। तो एम जो कि स्लोप, हम स्लोप ही निकाल रहे थे, तो एम आपके पास -8 से जीरो तक आ जाएगा है ना, और -8 पे क्लोज जीरो पे ओपन ठीक है। और आप देखिए जब हमने कंडीशन लगा किया था सेम आंसर आया था ठीक है, नोट कर लो। नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं, फाइंड के फॉर विच रूट्स ऑफ इक्वेशन के -5x² -2kx प्लस k-4 इज इक्वल टू जीरो आर पॉजिटिव। ठीक है तो ये दे रखा है हमें है ना, इसके रूट्स बोले हैं पॉजिटिव। तो सबसे पहले तो लीडिंग कोफिशियंट के बारे में हमें नहीं पता पॉजिटिव या नेगेटिव, तो सबसे पहले तो डिवाइड कर लो उससे। तो डिवाइड किया तो हमारे पास ये आया। ये आ गया हमारे पास। अब लीडिंग कोफिशियंट हमने बना लिया पॉजिटिव ठीक है। अब ग्राफ कैसा बना होगा, ऐसा बना होगा जीरो कहीं यहाँ रहा होगा है ना, पॉजिटिव मतलब जीरो से बड़े रूट होने चाहिए। तो वो कंडीशन लगाओ इसमें, पहला कंडीशन क्या है डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो लगा दो। तो 4k² अपॉन के -5 b² ये हो गया माइनस दिस थिंग ठीक है, ये आ जाएगा। अब ये कितना हो जाएगा, k² तो गया 9k, 20 -20 तो k आ जाएगा आपके पास ये। लेकिन ध्यान रहे कि जब आपने k -5 से डिवाइड किया है ना, आप साइड में लिख लीजिए k नॉट इक्वल टू 5, क्योंकि k 5 हो गया तो आप जीरो से थोड़ी डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ से आपके पास आया है k ग्रेटर देन 20/9 बट यू हैव टू एक्सक्लूड 5 ठीक है। तो ये एक आ गया, तो इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ कोने में। ठीक है, अब दूसरा कंडीशन कि -b/2 है जो वर्टेक्स का लोकेशन है वो राइट साइड होना चाहिए जीरो के। तो दूसरा कंडीशन लगा है -b/2a शुड बी ग्रेटर देन जीरो। तो यहाँ से आपके पास आएगा k/k-5 शुड बी ग्रेटर देन जीरो। मैं k-5 के होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ क्योंकि वो हमेशा पॉजिटिव रहा होगा ठीक है। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा k बिलोंग टू -∞ से जीरो यूनियन 5 से इन्फिनिटी। ठीक है, ये हमारा चलता जा रहा है। दूसरा दूसरा कंडीशन लगा दिया। तीसरा कंडीशन एफ ऑफ जीरो मस्ट बी पॉजिटिव है ना, तो निकालो एफ ऑफ जीरो। जीरो पुट करोगे तो के -4 मस्ट बी पॉजिटिव, तो के 4 से बड़ा आ गया। तीसरा कंडीशन के ग्रेटर देन 4, नंबर लाइन खींच लो है ना। अगेन 5 इंक्लूड नहीं करना क्योंकि आपने क्वेश्चन शुरू होते साथ ही डिवाइड किया था के -5 से, तो 5 नहीं ले सकते आप। 20/9 टू पॉइंट समथिंग होता है, उसको मैं यहाँ प्लॉट कर देता हूँ। 4 कहीं यहाँ होगा, 5 कहीं यहाँ होगा। पहला बोल रहा है कि 20/9 से बड़ा ठीक है, 5
पांच पे हॉलो कर दो, पांच नहीं लेना, ठीक है, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन, चार से बड़ा हॉलो, पांच पे हॉलो, जीरो कहीं यहाँ पे। और दूसरा जो कंडीशन है वो ये है, ठीक है, माइनस इन्फिनिटी से जीरो आ रहा है, फिर पांच से यहाँ जा रहा है। तो आप जब इंटरसेक्शन लेंगे तो आपके पास आएगा के बिलोंग टू पांच से इन्फिनिटी, ठीक है। अच्छा, अब के को पांच पुट करके देखो। देखो, तुम जब ये सॉल्व कर रहे थे तब तुम कंसिडर कर रहे थे ना कि ये क्वाड्रेटिक है। अरे तुम डी पे कंडीशन लगा रहे हो, वर्टेक्स की बातें कर रहे हो, मतलब तुम मान के चल रहे हो ये क्वाड्रेटिक है। क्वेश्चन में कहाँ दिया है कि ये क्वाड्रेटिक है ना? तो ये ऐसा भी तो हो सकता है ये क्वाड्रेटिक ना हो। क्वाड्रेटिक कब नहीं होगा? जब के इज इक्वल टू पाँच होगा। तो के इज इक्वल टू पाँच हमने रख के देखा क्या रूट पॉजिटिव आ रहा है। तो के पाँच रखो तो -10x + 1 = 0 आ जाएगा, तो रूट आपके पास 1/10 आ जाएगा। तो हाँ, पाँच पे तो रूट पॉजिटिव आ गया, तो पाँच एक्सेप्ट हो जाएगा। तो फाइनल आंसर इसका आपके पास आ जाएगा के बिलोंग टू पाँच पे क्लोज आएगा से इन्फिनिटी, ठीक है, नोट करो इसको। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, ठीक है। वन रूट इज स्मॉलर देन वन एंड अदर एक्सीड्स टू, इसका क्या मतलब है? देखो, हमने डिवाइड तो कर ही लिया है, ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। एक रूट वन से छोटा है, दूसरा रूट टू से बड़ा है, तो ऐसा ग्राफ बनेगा। मतलब दो नंबर बीच में लाए कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या कंडीशन लगाते थे? एफ ऑफ वन मस्ट बी नेगेटिव एंड एफ ऑफ टू मस्ट बी नेगेटिव। तो एफ ऑफ वन नेगेटिव करो तो वन रखो, तो 1 - 2k/k-5 +k-4/k-5 मस्ट बी नेगेटिव, ठीक है। तो अब एलसीएम ले लो, तो एक k-5 माइनस ये अपना 2k, k-5 - 2k +k, ठीक कर रहा हूँ ना, k-5 - 2k + k-4/k-5 दिस मस्ट बी नेगेटिव, है ना। तो यहाँ आपके पास आ जाएगा -9/k-5 मस्ट बी नेगेटिव, ठीक है। तो इसको अब लिख सकते हो तुम, ये -9 से वो कर दिया तो 1/k-5 मस्ट बी पॉजिटिव, है ना। -9 से मैंने डिवाइड कर दिया, इनइक्वालिटी चेंज, ठीक है, k-5 मस्ट बी पॉजिटिव। तो यहाँ पे आपके पास आ गया k बिलोंग टू 5 से इन्फिनिटी, ठीक है। ये करने पे अब जब तुम इसको करोगे नेगेटिव तब भी कुछ आएगा, तो करके देखो। पहले तो इसको मैं बगल में लिख लेता हूँ कहीं। एफ ऑफ टू को जब तुम नेगेटिव करोगे तो तुम्हारे पास आएगा 4 - 4k/k-5 +k-4/k-5 मस्ट बी नेगेटिव। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 4k - 20 - 4k + k-4/k-5 मस्ट बी नेगेटिव। नाउ वी गेट k-24, है ना, इंटू k-5 टू बी क्या नेगेटिव। तो यहाँ से k आपके पास आ जाएगा 5 से 24, ये सेकेंड कंडीशन, और ये फर्स्ट कंडीशन था। फर्स्ट जब तुम फर्स्ट का इंटरसेक्शन लोगे सेकेंड के साथ तो फाइनल आंसर होगा, और वो दिख रहा है फाइनल आंसर आपके पास ये है, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा इसके लिए, के बिलोंग टू 5 से 24, ये आपका आंसर है, ठीक है, नोट कर लो। इसका एक और मेथड देखते हैं, इसका ग्राफिकल मेथड देखते हैं। अगर तुम्हें कर्व ट्रेसिंग आता है, मतलब फंक्शन का ग्राफ बनाना आता है, ठीक है, उसके लिए डेरिवेटिव करना पड़ता है, वो सब आता है, तो तुम ग्राफ से देख के बता सकते हो,
ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं के को अलग कर लेता हूँ, ठीक है, डायरेक्ट लिख देता हूँ, ठीक है। के को अगर मैं लिखूँ 5x² + 4 अपॉन x² - 2x + 1, तो ऐसा के को मैं लिख सकता हूँ, ठीक है। ठीक है, सही है, तो ऐसा मैं के को लिख सकता हूँ। तो अब मैं क्या करता हूँ ना, मैंने क्या बोला था कि जब मैंने तुमको एक एग्जांपल दिया था, शायद ये दिया था 2x + 5 = x - 3, जब एग्जांपल दिया था तब मैंने बोला था ना, इसका ग्राफ खींचो, इसको इक्वल टू वाई करो, इसका ग्राफ खींचो, और जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है उसका एब्सिसा होता है सॉल्यूशन। तो हम भी यहाँ पे यही करेंगे, पहले हम इसका ग्राफ खींचते हैं, LHS का। LHS का ग्राफ कैसे खींचा जा सकता है, देखो मैं FX मान लेता हूँ 5x² + 4 अपॉन x - 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब कर्व ट्रेसिंग आना चाहिए इसके लिए, ठीक है, कैलकुलस में होता है ये, ठीक है। तो इसका बिहेवियर चेक करते हैं कि ग्राफ कब कब बढ़ रहा है या घट रहा है, तो इसके लिए f-x देखते हैं हम। f-x देखोगे तो ये ऐसा आएगा, into 10x - 5x² + 4 into 2x - 1, ठीक है, ये f-x आया, ठीक है। अब हमें इसका बिहेवियर चेक करना रहता है, तो अब चेक करो इसका बिहेवियर, ये 10x³ आ जाएगा, ठीक है, +10x आ जाएगा, -20x² आ जाएगा, ठीक है। अभी आ जाएगा 5x³ - 10x³, ठीक है, -5x² +10x² +4x -8x -4 + 8 अपॉन x - 1 का पावर 4। तो f-x को तुम लिख सकते हो, ये तो गया, ठीक है, -10x² ये गया, +2x ये गया, +8 अपॉन x - 1 का पावर 4। इसको तुम लिख सकते हो -2, अगर बाहर ले लो 5x² - x - 4, ठीक है, अपॉन x - 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको स्प्लिट करो, इसको स्प्लिट करो, तो ये स्प्लिट कितने हो जाएगा, 5x² - 5x + 4x - 4, 5x कॉमन ले लो, x - 1, यहाँ से 4 कॉमन ले लो, x - 1, तो ये हो जाएगा 5x + 4 into x - 1। अब f-x का साइन कन्वेंशन देखना है, जब तुम वन वन से बड़ी वैल्यू डालोगे तब f-x नेगेटिव आउटपुट देगा, यहाँ पॉजिटिव देगा, यहाँ नेगेटिव देगा, है ना। दिस इज़ 1, दिस इज़ -4/5, है ना, ठीक है। तो ग्राफ जो है माइनस इन्फिनिटी से लेके -4/5 के इंटरवल में डिक्रीजिंग होगा, ठीक है, डिक्रीजिंग इन माइनस इन्फिनिटी से -4/5, इंक्रीजिंग इन -4/5 to 1 एंड डिक्रीजिंग अगेन इन 1 से इन्फिनिटी। ग्राफ अब प्लॉट करना हम चालू करते हैं, ठीक है। एफ एक्स था हमारे पास 5x² + 4 अपॉन x - 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। -4/5, ठीक है, माइनस इन्फिनिटी पे इसका वैल्यू कितना होगा, 5 होगा, लिमिट के चैप्टर में तुम पढ़ लोगे,
ठीक है, माइनस इन्फिनिटी पे अगर इसका वैल्यू पता करना है ना, तो 5 होगा। तो अगर मैं 5 का लाइन इधर कहीं बनाऊं, ठीक है, ये y इज इक्वल टू 5 है, ठीक है, इसको थोड़ा यहाँ लिख दो, एफ एक्स इज इक्वल टू 5x² + 4 अपॉन x-1 का होल स्क्वायर, ठीक है, y इज इक्वल टू 5, यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी पे वैल्यू 5 आएगा, ठीक है, और माइनस इन्फिनिटी से -4/5 तक ये घटता हुआ आएगा, घटता हुआ, ठीक है, तो -4/5 पे आउटपुट देखो, ठीक है, एफ ऑफ -4/5 निकालो कितना होगा, ठीक है, 16, सॉरी 80, 180 अपॉन ये कितना हो जाएगा, -4/5 पुट कर रहे हो ना, तो अपॉन 81, 180 अपॉन 81 हो जाएगा, तो -4/5 कहीं यहाँ होगा, ठीक है, 5 से ऐसा घटते हुए आ रहा है, घटते हुए आ रहा है, घटते हुए घटते हुए घटते हुए घट रहा है, घट रहा है, यहाँ पे ये आ गया, ये पॉइंट आ गया, ये पॉइंट आपका हो गया 180 अपॉन 81, ठीक है। फिर कब तक इंक्रीज होगा, देखो माइनस इन्फिनिटी से -4/5 तक घट गया, -4/5 से 1 पे इंक्रीज होगा, तो x इज इक्वल टू 1 मैं ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ पे, अब तुम x इज इक्वल टू 1 पे लेफ्ट हैंड लिमिट देखोगे तो वो कहीं इन्फिनिटी पे जाएगा, तो ये ग्राफ ऐसा जाएगा कहीं 1 पे इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेगा, ठीक है। अब अगेन ये डिक्रीज करेगा 1 से इन्फिनिटी पे, तो 1 पे इन्फिनिटी वैल्यू था और इन्फिनिटी पे वैल्यू 5 देगा, तो लिमिट चैप्टर में पढ़ लोगे, ठीक है, तो ये ऐसा, तो ये आपका ग्राफ हो गया एफ एक्स का, है ना। तो हमने क्या किया, यहाँ पे था ना, देखो इसका ग्राफ हमने ट्रेस कर लिया, ठीक है, अब बचा के, वाई इज इक्वल टू के का ग्राफ, वाई इज इक्वल टू के का ग्राफ क्या होता है, के इज अ कॉन्स्टेंट, है ना, तो वाई इज इक्वल टू के का ग्राफ अगर तुम खींचना चाहो तो वो तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन होगा ना, वो तो एक सिंपल सा हॉरिजॉन्टल लाइन होगा ये, इस प्रकार का, ठीक है, समझ आया इतना। अच्छा तो अब तुम देखो, पहले पहले सवाल में उसने क्या बोला है कि बोथ रूट्स मस्ट बी पॉजिटिव, ठीक है, ये 5 है, बोथ रूट मस्ट बी पॉजिटिव, देखो अगर मैंने y इज इक्वल टू के ये खींच दिया तो क्या ये एक्सेप्टेबल है, नहीं, क्योंकि एक रूट नेगेटिव आ गया, क्या ये एक्सेप्टेबल है, नहीं, अगेन एक रूट नेगेटिव आ गया, क्या ये लाइन एक्सेप्टेबल है, सॉरी ये यहाँ से ऐसा आ रहा है, ये हाँ एक्सेप्टेबल है, क्योंकि दो रूट हमें दिखते हुए नज़र आ रहे हैं जो कि पॉजिटिव है। तो तुम खुद देखो, जब तुम 5 से बड़ा वैल्यू लोगे, 5 से बड़ा वैल्यू जब लोगे तो बोथ रूट पॉजिटिव आ जाएंगे, तो फॉर फॉर रूट्स टू बी पॉजिटिव के मस्ट बी 5 से इन्फिनिटी, है ना, दिख रहा है ना, और 5 भी तुम इंक्लूड कर लेना, 5 के लिए अलग से चेक करके देखना, ठीक है, 5 के लिए, क्योंकि 5 पे लफड़ा हो रहा है ना ये क्वाड्रेटिक का, तो 5 पे तुम चेक करके देखना रूट पॉजिटिव आएगा कि नहीं, और आता है 1/10 आता है, हमने देखा था। तो जब तुम फाइनल आंसर लिख रहे होगे ना, तो तुम ये लिखोगे, ये अब देखो 5 क्लोज से इन्फिनिटी सेम आंसर आया, तो ग्राफ से आप इसको ऐसे कर सकते हैं। अब अगेन ये देखना है हमें, वन रूट इज स्मॉलर देन 1 एंड अदर एक्सीड्स 2,
अच्छा ठीक है, वन पे वैल्यू देखते हैं हम, ठीक है, वन पे फंक्शन का वैल्यू जो है इन्फिनिटी। अच्छा ठीक है, अच्छा एक रूट क्या, फिर से उसने फिर से क्या बोला था, वन रूट इज स्मॉलर देन वन, ठीक है, एक सेकेंड, वन, ये वन था ना, ये वन था, वन रूट इज स्मॉलर देन वन एंड अदर इज ग्रेटर देन टू। तो टू पे वैल्यू देखते हैं हम फंक्शन की, टू पे वैल्यू क्या होगा, 24 है ना, देखो टू का ही यहाँ बना देता हूँ, टू पे देखो, टू पे इसका वैल्यू, ये टू है, टू पे इसका वैल्यू कितना है, 24 है ना। तो एक रूट तुम्हें चाहिए वन से छोटा, एक रूट चाहिए टू से बड़ा। तो तुम जैसे जैसे वाई इज इक्वल टू के को वेरी कराओगे, अब मैं तुमसे सेम सवाल पूछूं, क्या ये ग्राफ एक्सेप्टेबल है? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि देखो, एक रूट तो तुमको मिल गया वन से छोटा, ये जो वैल्यू मिली यहाँ पे एप्सिस आ, ये तो वन से छोटा है ना, लेकिन दूसरा रूट तो तुमको टू से बड़ा नहीं मिला ना, तो ये नहीं एक्सेप्ट होगा। क्या ये एक्सेप्ट हो जाएगा? ये एक्सेप्ट हो जाएगा, क्योंकि देखो एक रूट वन से छोटा मिल गया, दूसरा रूट टू से बड़ा मिल गया, ठीक है। ऐसा तुम करते गए करते गए करते गए, ठीक है, ये भी देखो, ये भी एक्सेप्टेबल है, ठीक है, दो से बड़ा मिल गया एक रूट, देखो ये टू के राइट हैंड साइड में ना, और एक रूट वन से छोटा मिल गया। और ध्यान रहे यहाँ 24 है, 24 से थोड़ा सा आगे भी चले गए ना अगर, जो कि ये रेड लाइन है, तो तुम देखो एक रूट तो वन से बड़ा, वन से छोटा मिल जाएगा, लेकिन दूसरा रूट टू से जो है छोटा हो जाएगा। तो तुमको अगर वैल्यू चाहिए तो तुमको वैल्यू लेना पड़ेगा के बिलोंग टू 5 से 24। देखो 5 से तुम चालू किए, 24 तक ही जा सकते हो, 24 के बाद चले गए तो फिर एक रूट तो मिल जाएगा वन से छोटा, दूसरा रूट भी टू से छोटा मिल जाएगा, ठीक है। तो के बिलोंग टू 5 to 24 आपका आंसर हो जाएगा, और जो हमने सॉल्व किया था लोकेशन ऑफ रूट से, उससे भी यही आया था। तो ग्राफ से तुम ऐसे देख सकते हो, ठीक है, नोट कर लो इतना। एक प्रॉब्लम कर लेते हैं, फाइंड के इफ़ के साइन पाई बाय 4 + x इज इक्वल टू 9 + sin 2x हैज़ रियल सॉल्यूशन, ठीक है। तो इसमें तो साइन पाई बाय 4 + x का एक्सपेंशन ये होता है, ठीक है, और 9 + sin 2x को मैं लिख लेता हूँ 8 + 1 लिख सकता हूँ मैं 9 को, तो 1 को मैं ये लिख लेता हूँ साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, है ना, ये 1 लिख दिया 9 हो गया, प्लस 2 sin x cos x, तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा k/√2 sin x + cos x = 8 + इसको आप लिख सकते हैं sin x + cos x का होल स्क्वायर, ठीक है। अब sin x + cos x को जेड पुट कर देते हैं, ठीक है, तो आपके पास इक्वेशन आएगा z² - k/√2 × z, है ना, +8 = 0, ठीक है। और जो जेड आपने माना है, जेड का रेंज क्या है, -√2 से √2, है ना। जेड का रेंज कैसे आया, देखो a sin x + b cos x का रेंज होता है ना, इसका रेंज आता है आपके पास -√a² + b² से +√a² + b², तो उसी लॉजिक से मैंने ये लिखा है, ठीक है।
अच्छा, अब इसके रियल सॉल्यूशन आने चाहिए। रियल सॉल्यूशन कब आएगा? जब ये क्वाड्रेटिक के जो रूट्स हैं ना वो इनके बीच ही लाया करें। मान लो जेड का यहाँ से दो वैल्यू आ गया, एक जेड 4 आ गया, ठीक है, और एक जेड मान लो -5 आ गया। तो क्या कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि देखो जब जेड को तुम 4 बोल रहे हो इसका मतलब तुम साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को 4 बोल रहे हो, और इसका तो कोई सॉल्यूशन ही नहीं आएगा क्योंकि जेड तो रेंज के बाहर चला गया। तो अगर रियल रूट होने चाहिए तो या तो दोनों रूट इनके बीच लाया कर जाए, या कम से कम एक रूट लाया कर जाए यहाँ पे। तो इसके पॉसिबल ग्राफ अगर हम प्लॉट करना चाहें तो इसके पॉसिबल ग्राफ ऐसे होंगे, जैसे ठीक है, या तो ऐसा होना चाहिए दोनों रूट यहाँ लाया कर जाए, या ऐसा होना चाहिए एक रूट लाया कर जाए, एक भले इमेजिनरी हो, एक मतलब रेंज के बाहर चले जाए, एक रूट तो लाया किया ना, तो सॉल्यूशन तो तब भी आया। या ये ऐसा -√2 यहाँ और √2 यहाँ, ठीक है, ये तीन ग्राफ पॉसिबल है। अब ये रिजेक्ट हो जाएगा पहला वाला, क्यों? क्योंकि तुम देखो प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना है, 8 है। अब तुम खुद सोचो अगर दोनों रूट -√2 से √2 के बीच में लायक कर गए तो क्या प्रोडक्ट ऑफ रूट कभी 8 होगा? नहीं होगा। ये ग्राफ पॉसिबल हो सकता है, ये ग्राफ पॉसिबल हो सकता है। तो आपके पास दो केसेस आ गए, है ना? मैं इसको यहाँ बना देता हूँ -√2 से √2, है ना? हाँ, तो ये दो ग्राफ पॉसिबल हो जाएंगे। तो अब कंडीशन लगाओ इस पे, है ना, कि वो टाइप था ना जिसमें एक रूट लाया करता था दो नंबर के बीच में। तो इसमें अगर मैं इसको एफ जेड बोलूँ इतने पार्ट को, तो कंडीशन क्या है? एफ ऑफ √2 इंटू एफ ऑफ -√2 मस्ट बी नेगेटिव, है ना? तो √2 पुट करो इसमें पहले, है ना? तो 10 माइनस के इंटू, अब -√2 को पुट करो तो 10 प्लस के मस्ट बी दिस, है ना? तो इसको आप लिख सकते हैं के -10 इंटू के +10 मस्ट बी पॉजिटिव। तो के आपके पास आ जाएगा -∞ से -10 यूनियन 10 से इन्फिनिटी, है ना? लेकिन अब आपको चेक भी करना पड़ेगा। देखो ऐसा ग्राफ भी तो हो सकता है ना, -√2 यहाँ हो गया, √2 यहाँ हो गया, ऐसा ग्राफ, क्योंकि आपको तो सॉल्यूशन इनके बीच में चाहिए ना। तो अगर -√2 भी अचीव हो गया तब भी बात बन जाएगा ना, क्योंकि वो इसमें लाया करता है। तो अभी आपको चेक करना पड़ेगा कि -√2 अगर रूट हुआ तो ग्राफ कैसा बनेगा, ठीक है? तो -√2 मान लो -√2 इसका रूट है, एक है ना, एफ जेड क्या था, जेड स्क्वायर माइनस के बाय √2z +8, है ना? कंसिडर कर लो कि लेट -√2 बी रूट, है ना? तो 10 प्लस के 0 हो जाएगा, इसमें के -10 आएगा, है ना? तो एफ जेड क्या बन जाएगा, जेड स्क्वायर -10 बाय √2 +10, है ना? -√2 रखोगे तो +10 बाय √2 इंटू जेड +8,
है ना। अब देख लो इसका क्या क्या रूट है। इसको आप लिख सकते हैं एक रूट तो जेड प्लस रूट टू आएगा, है ना। दूसरा रूट आएगा कितना, दूसरा रूट आएगा जेड प्लस रूट टू को किससे मल्टीप्लाई करें कि एट आए, 4 रूट 2 से ना, 4 रूट 2, ठीक है। इतना तो आप इसको ऐसे फैक्टराइज कर सकते हैं। तो सही फैक्टराइज किया ना, 4 रूट 2 प्लस 5 रूट, हाँ सही है। तो एफ जेड आपका ऐसा आ गया जब आपने कंसिडर किया ही है, तो इसका ग्राफ तो ऐसा ही बन गया, -4 रूट 2 यहाँ आएगा। तो देखो -10 जो है, k इज इक्वल टू -10 एक्सेप्ट हो गया, तो यहाँ पे आप क्लोज लगा दो। अब सेम चीज़ उसके लिए करो, लेट √2 बी रूट, तो k आपके पास कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो एफ जेड आपके पास ये आ जाएगा, z² - 10/√2z +8, है ना। अब आप इसको ऐसा लिख लो, एक रूट तो √2 है, दूसरा रूट क्या होगा, z - 4√2। मैं इसको फैक्टराइज कैसे कर पाया, ऐसे कि एक रूट पता था √2, दूसरा रूट मैंने ऐसे क्रिएट किया कि जो प्रोडक्ट है वो 8 बन गया, ठीक है। तब इसका ग्राफ तो ऐसा बन गया आपके पास, √2 कहीं यहाँ और 4√2 यहाँ, और -√2 कहीं यहाँ रहा होगा। क्या इस ग्राफ को देख के तुम कह सकते हो कि इस इंटरवल में एक कोई भी रियल सॉल्यूशन है? हाँ है, √2 एक रियल सॉल्यूशन इस इंटरवल में है, तो k इज इक्वल टू 10 भी एक्सेप्ट हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे भी क्लोज लगाना पड़ेगा। तो फाइनल आंसर आपका क्या हो गया, ये हो गया k बिलोंग टू -∞ से -10 यूनियन 10 से इन्फिनिटी, है ना। नोट करो इतना। अच्छा इसका दूसरा मेथड देखो, k को हम ये भी तो लिख सकते हैं 8 प्लस sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर अपॉन 1/√2 इंटू sin x प्लस cos x। अब मैं क्या करता हूँ, sin x प्लस cos x को z पुट कर देता हूँ। तो इसको आप लिख सकते हैं k इज इक्वल टू z² + 8 इंटू √2 अपॉन क्या z, है ना। अब अगेन आप देख लीजिए, z बिलोंग करता है -√2 से √2। अब सॉल्यूशन के लिए अब वही ग्राफ मेथड है ना, इसको y के बराबर करो, इसको y के बराबर करो, दोनों का ग्राफ प्लॉट करो, है ना। और k को इस तरह से सेट करो कि जो रूट आएगा वो इस दो के भी इस इंटरवल में आए, ठीक है। तो आप ग्राफ बनाना चालू कर दीजिए। अगेन कर्व ट्रेसिंग से बता रहा हूँ मैं, है ना, कि मान लो RHS को FZ है, ठीक है। तो F'Z क्या होगा, डेरिवेटिव, है ना, डायरेक्ट लिख देता हूँ, z² अपॉन z² - 2z, ठीक है, ऐसा आएगा, है ना। और हमें बॉदर सिर्फ इस इंटरवल में ही करना है क्योंकि z ही इसमें लाया कर रहा है ना, z तो इतने में ही लाया कर रहा है, तो हमें ग्राफ इतने का ही चाहिए, ठीक है। तो अब देख लो,
यहाँ पे लिख लेता हूँ जेड बिलोंग टू माइनस रूट टू से रूट टू, ठीक है। अब तुम देखो एफ डैश जेड इज नेगेटिव इन, सॉरी फॉर ऑल जेड इन माइनस रूट टू से रूट टू, है ना। तुम देखो एफ डैश जेड नेगेटिव है, माइनस रूट टू से रूट टू तुम कुछ भी रखो इसमें, स्क्वायर होके 8 घट जाएगा तो वो नेगेटिव ही कहला जाएगा, है ना। इसका मतलब एफ जेड इज डिक्रीजिंग इन माइनस रूट टू से रूट टू। और हाँ ध्यान रहे, ज़ीरो पे ग्राफ जो है ना वो डिफरेंशिएबल नहीं है ना, क्योंकि ज़ीरो पे डेरिवेटिव जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। तो ये तो बात समझ आ गया कि डिक्रीजिंग है थ्रू आउट ग्राफ माइनस रूट टू से रूट टू में। तो माइनस रूट टू पे वैल्यू देख लेते हैं फंक्शन का, तो माइनस रूट टू पे कितना वैल्यू आ रहा है, -10 आ रहा है। रूट टू पे कितना वैल्यू आ रहा है, 10 आ रहा है, ठीक है। अब जीरो पे भी देख लो एक बार वैल्यू, है ना। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या कितना आएगा, जीरो। जब जीरो से थोड़ा सा छोटा वैल्यू रखोगे तो कितना आएगा, माइनस इन्फिनिटी आएगा, ठीक है। ये थोड़ा कैलकुलस का पोर्शन है, ठीक है, इसको अभी के लिए स्किप कर सकते हो अगर नहीं आपको। जीरो प्लस रख दोगे तो इन्फिनिटी पे चला जाए, बस अब ग्राफ खींच दो। ठीक है, माइनस रूट टू का यहाँ पे, रूट टू यहाँ पे, ठीक है। माइनस रूट टू पे वैल्यू है, ये y इज इक्वल टू 10, ये y इज इक्वल टू -10। देखो माइनस टू पे वैल्यू है -10, ठीक है, और प्लस रूट पे, प्लस रूट टू पे वैल्यू है 10, ठीक है। उसने क्या बोला है, माइनस रूट टू से जीरो तक डिक्रीजिंग ग्राफ है, ठीक है, और जीरो से थोड़ा सा कम वैल्यू पे वो माइनस इन्फिनिटी पे जा रहा है। तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, ऐसा ये नीचे गया, इसको अगर मैं एक्सटेंड कर दूं, छोड़ो, ठीक है, ग्राफ ऐसा चला गया और यहाँ से ग्राफ जो है वो ऐसा चला गया, रूट टू पे 10 था और डिक्रीज कर रहा है ना, ऐसा मान लेते हैं, है ना। जीरो प्लस पे इन्फिनिटी, एक सेकेंड, ठीक है, ऐसा ग्राफ आया है, ना। तो कुल मिला के आपने ग्राफ प्लॉट कर दिया इसका, है ना, इस प्रकार का ग्राफ आया इसका। अब आपको रूट, ये RHS का ग्राफ बना दिया आपने। अब LHS क्या था, LHS तो y इज इक्वल टू के था। अब y इज इक्वल टू के तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, क्या ये लाइन अगर मैं खींच दूँ हॉरिजॉन्टल लाइन तो क्या कोई रूट आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि इंटरसेक्शन ही नहीं हुआ। इंटरसेक्शन कब चालू होगा, जब तुम 10 से ऊपर वैल्यू लोगे ऐसा कुछ, तब एक रूट मिलेगा ना तुमको, और रूट भी माइनस रूट टू से रूट टू के बीच में ला कर गया, है ना। तो यहाँ से तुम कह सकते हो ना कि अगर तुम के का वैल्यू 10 से इन्फिनिटी तक लिए तब तुमको एक रूट मिलेगा। ये देखो ये रूट मिलते जा रहे हैं ना, जैसे तुम 10 से बड़ी वैल्यू ले रहे हो। के इज इक्वल टू 10 पे भी रूट आ रहा है, एग्जैक्टली रूट टू, है ना। सिमिलरली तुम देखो -10,
-10 से छोटा वैल्यू अगर लोगे तब तुमको रूट नज़र आता हुआ दिखेगा। तो के को तुम ये भी ले सकते हो, -∞ से -10, ठीक है। तो ग्राफ से आप इसको ऐसे देख सकते हैं, और यही आंसर पहले भी आया था, ठीक है, नोट कर लो। इसका तीसरा मेथड देख लेते हैं, ठीक है। एक और मेथड है के बाय √2 इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स आया था ना, इक्वल टू 8 प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। तो मैंने इसको जेड मान लिया था, तो ये जेड स्क्वायर प्लस 8 इज इक्वल टू के बाय √2 इंटू जेड आया था, सच दैट जेड का रेंज इतना। तो अगेन पैरामीटर के है, मैंने के वाले टर्म्स को अलग कर दिया, जेड वाले टर्म्स को अलग कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब हम LHS का ग्राफ खींचते हैं और RHS का ग्राफ खींचते हैं, ठीक है। ठीक है, तो LHS का ग्राफ ऐसा हो जाएगा, ठीक है। इसको मैं मान लेता हूँ √2, इसको इस पॉइंट को मैं मान लेता हूँ -√2, ठीक है। LHS का ग्राफ हो गया। अब RHS देखो, RHS आपके पास ऐसा लिखा है K बाय √2 इंटू जेड है ना, मतलब एक एक लाइन ऐसा, और उसका स्लोप वेरिएबल है, मतलब आप इसको टिल्ट कर सकते हो, मतलब ऐसा वेरिएबल है। तो अगर रूट एग्जिस्ट करवाना है तो रूट तो एग्जिस्ट तभी करेगा ना जब लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी। तो तुम देखो ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट कह सकता हूँ ना √2,10 है, और ये पॉइंट क्या है -√2,10 है ना। तो अगर मैं लाइन खींचूँ, देखो अगर मैं ये लाइन खींचूँ तो कुछ स्लोप रहा होगा, लेकिन यहाँ पे रूट नहीं आया, ठीक है। जैसे जैसे अब मैं एंटी क्लॉकवाइज टिल्ट कर रहा हूँ लाइन को, ठीक है, अभी ऐसा है, अभी थोड़ा मैंने एंटी क्लॉकवाइज टिल्ट कर दिया लिमिटिंग वैल्यू पे, ऐसा ऐसा यहाँ पे रूट आ जाएगा, है ना। एक रूट यहाँ आएगा और एक रूट कहीं आगे आएगा, ठीक है। तो एक रूट आ गया ना -√2 से √2 में, तो ये वैल्यू एक्सेप्ट हो जाएगा। इस वैल्यू पे स्लोप कितना है, स्लोप बेसिकली क्या है आपका, के बाय √2 है ना लाइन का स्लोप। इस केस के लिए स्लोप क्या है, 10 -0, 10 -0/√2 है ना, 10/√2 है इसके लिए, है ना। और आप अब एंटी क्लॉकवाइज इसको टिल्ट करते जाइए, है ना, ऐसा टिल्ट कर दिया मैंने, इस पे भी रूट आ गया, देखो यहाँ पे -√2 से √2 के बीच में है ना। देखो ये जब इसका एब्सिसा लोगे तो -√2 से √2 के बीच में, तब तुम इसको टिल्ट करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, जब तक ये परपेंडिकुलर ना हो जाए। तो के बाय √2 का वैल्यू तुम 10/√2 से चालू किए गए, और तुम कहाँ तक चले गए, इन्फिनिटी तक चले गए, यूनियन। अब परपेंडिकुलर लाइन हो गया, अब इसको और टिल्ट करोगे तो वो -∞ पे चले आएगा। तो तुम इसको टिल्ट और करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, ठीक है। तो वो -∞ से चालू हुआ और कहाँ तक गया, यहाँ तक, यहाँ तक, ये जो मैंने लाइन लास्ट लाइन खींची है, ये वाली जो लाइन है, इसका स्लोप क्या है, -10/√2 है ना, -10/√2 तक गया है। अब ये तो हो गया के बाय √2 का वैल्यू, के का वैल्यू क्या होगा जब तुम √2 से मल्टीप्लाई कर दो हर साइड, तो आपके पास आ जाएगा 10 से इन्फिनिटी यूनियन -∞ से -10, ठीक है।
को ऐसे लिख लो, माइनस इन्फिनिटी से माइनस 10 यूनियन 10 से इन्फिनिटी, तो इससे भी सेम आंसर आया। ठीक है, तो ऐसे देख सकते हो ग्राफ से, नोट कर लो। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं। फाइंड ए इफ 4 का पावर t माइनस ए माइनस 4 × 2 का पावर t प्लस 9a/4 इज लेस देन 0 फॉर ऑल टी इन दिस। ठीक है, इसमें तो सबसे पहले आप 2 का पावर t को z पुट कर दें, है ना। और सिंस t इस रेंज में बिलोंग करता रहा है, तो 2 का पावर t किस रेंज में बिलोंग करेगा? 2 से 4। तो आप कह सकते हैं ना, z इज इन 2 से 4। तो आप अब इक्वेशन को ऐसा लिख सकते हैं, 4 के पावर t को आप जेड स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस ए माइनस 4 × z प्लस 9a/4 इज लेस देन, मतलब इज लेस देन 0 फॉर ऑल जेड इन 2 से 4। ये हमारी रिक्वायरमेंट है ना। तो अब देखो, ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है और 2 से 4 में इसको नेगेटिव होना है। इसका क्या मतलब है? ग्राफ जरूर ऐसा बना होगा, 2 4 यहाँ रहे होंगे, है ना, रूट्स के बीच में लाए किए होंगे 2 और 4, तभी तो इन इन सभी के लिए नेगेटिव है। हमें क्या चाहिए? फॉर ऑल जेड इन दिस द ग्राफ मस्ट बी बिलो एक्स एक्सिस, और जो कि है इस ग्राफ में। तो इसमें अब ये कंडीशन लगा दो। इसका कंडीशन क्या होता था? अगर मैं एफ जेड बोल दूँ इसको, जेड स्क्वायर माइनस ए माइनस 4 × z प्लस 9a/4, इसको अगर जेड बोल रहा हूँ, तो f of 2 मस्ट बी नेगेटिव एंड f of 4 मस्ट बी नेगेटिव। तो f of 2 अगर आप निकालेंगे, f of 2 निकाल रहा हूँ मैं, ठीक है, तो 4 माइनस 2a, है ना, 2 रखा है ना, तो -2a प्लस 8 प्लस 9a/4, है ना, दिस मस्ट बी नेगेटिव। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा, कितना आ जाएगा ये, 8 है ना, तो a/4, तो आपके पास a का वैल्यू ये आ गया। ठीक है, अब f of 4 मस्ट बी नेगेटिव। f of 4 कितना है? 16। ठीक है, और ये भी कितना हो जाएगा, 16 - 4a, है ना, प्लस 16, तो ये 32 हो जाएगा। 32 - 4a प्लस 9/4a मस्ट बी नेगेटिव, है ना। तो अगेन ये कितना हो जाएगा, 9 - 16 -7a/4 इज -32, प्लस दोनों साइड कर दो, इनइक्वालिटी रिवर्स, तो ए हो जाएगा आपके पास 128/7, है ना। अब ये दो कंडीशन देखो, एक बोल रहा है कि ए -48 से छोटा होना चाहिए, मतलब ए नेगेटिव होना चाहिए, और ये बोल रहा है कि ए पॉजिटिव होना चाहिए। तो कुछ नहीं आया ना, इंटरसेक्शन तो फाइ आ गया। अगर मैं इसको 1 बोलूं और इसको 2 बोलूं, तो 1 × 2 क्या होगा? फाइ होगा ना, तो ऐसा कोई ए एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ए बिलोंग टू फाइ आपका आंसर है। ठीक है, नोट कर लो, इसका एक और मेथड देखते हैं। तो इसका एक और मेथड ये है कि 2 का पावर t को मैंने क्या बोला था, z बोला था ना, सच दैट z बिलोंग टू 2 से 4, है ना, क्योंकि t अगर 1 से 2 में लाया कर रहा है, तो z इसमें लाया करेगा। इक्वेशन था z स्क्वायर माइनस ए जेड प्लस 4z प्लस 9a/4 मस्ट बी नेगेटिव फॉर ऑल z इन दिस, ये रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो अगेन वही पैरामीटर्स को एक तरफ और नॉन क्वाड्रेटिक को एक तरफ। तो आ जाएगा z × z+4
मस्ट बी नेगेटिव फॉर, है ना, और जेड किस में लाया कर रहा है, 2 से 4 में, है ना। ये हमें चाहिए, ये रिक्वायरमेंट है। अब देखो LHS का ग्राफ खींच दो, LHS का एक रूट 0 है, एक रूट -4 है, ठीक है, -4। इसका ग्राफ खींच दो, इसका ग्राफ ऐसा हो जाएगा। ये LHS का ग्राफ हो गया, है ना, ये Z एक्सिस है, ठीक है, Z 2 से 4, 2 यहाँ 4 यहाँ, ठीक है। 2 पे वैल्यू कितना आ रहा है, जो भी आ रहा हो छोड़ो, 9/4 कहीं यहाँ लाया करेगा। अब तुम देखो, अगर तुम LHS का ग्राफ तो खींच दिया, RHS का ग्राफ खींचोगे तो देखो, ए वेरिएबल है, ए पैरामीटर है ना, ए स्लोप है बेसिकली, है ना। लेकिन तुम देखो जो ये है ना, ये एक लाइन का इक्वेशन है जो हमेशा 9/4,0 से पास करेगा, है ना। ठीक है, और आपको इतने ग्राफ से ही मतलब होना चाहिए, 2 से 4 के बीच में, क्योंकि Z का इंटरवल ही 2 से 4 है ना। अब तुम देखो ये एक लाइन है, ठीक है, जो 9/, ये लाइन है y इज इक्वल टू ए इंटू जेड माइनस 9/4, ठीक है। अब उसने बोला है कि लाइन जो है ना वो हमेशा बड़ा होना चाहिए क्वाड्रेटिक फंक्शन से। इसका मतलब, इसका मतलब कि z को जब तुम 2 से 4 के बीच में देख रहे हो ना, तो जो लाइन का ग्राफ है वो हमेशा क्वाड्रेटिक के ग्राफ से ऊपर आना चाहिए। अब तुम खुद सोचो, अगर तुम कितना भी टिल्ट करो, तुम कितने सारे स्लोप अगर ले लो ऐसे, ये लाइन तो एक्सेप्टेबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें लाइन छोटा हो गया ना। देखो लाइन बड़ा होना चाहिए, इसका मतलब क्या है, लाइन का ग्राफ ऊपर होना चाहिए क्वाड्रेटिक से। इसमें तो नहीं हुआ, इसमें हुआ क्या बताओ? अगर मैं ऐसा लाइन खींच दूं, अगर मैं ऐसा लाइन खींच दिया, क्या ये एक्सेप्टेबल है? नहीं, ये भी एक्सेप्टेबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखो इसमें सिर्फ कुछ ही पॉइंट्स के लिए लाइन ऊपर हुआ है क्वाड्रेटिक के लिए, हमें तो हर जेड के लिए चाहिए ना, हमें सारे जेड के लिए चाहिए कि लाइन का ग्राफ ऊपर होना चाहिए। इसमें देखो, अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में इसको बोल दूँ, मान लो कुछ भी आया, X1 आया, तो लाइन का ग्राफ ऊपर तो है क्वाड्रेटिक से, लेकिन फॉर ऑल जेड इन टू से X1, लेकिन हमें तो 2 से 4 चाहिए था ना, तो ये लाइन एक्सेप्टेड नहीं होगा, एक्सेप्टेबल नहीं होगा, ये लाइन भी एक्सेप्टेबल नहीं है। तो तुम कोई भी स्लोप लगा लो, सारे जेड के लिए नहीं होगा वो चीज़, है ना, सारे जेड इन दिस, मतलब 2 से 4 के लिए नहीं होगा। तो ऐसा कोई ए आता हुआ आपको नहीं दिख रहा है, तो यहाँ से भी आप कह सकते हैं ए बिलोंग टू फाई, है ना, तो इससे भी हो जाएगा, ठीक है, नोट कर लो। अगले सवाल पे आते हैं, इफ m² - 4x + 3m + 1 इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल पॉजिटिव एक्स, फाइंड एम। ठीक है, तो ऐसा है, तो केस 1 ले लो कि m जब पॉजिटिव हो, तो m अगर पॉजिटिव होगा, ठीक है, पहले नेगेटिव के लिए कर लेते हैं, m नेगेटिव के लिए करते हैं, तो m नेगेटिव अगर हो जाएगा तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, ऐसा ग्राफ बनेगा,
है ना, या ऐसा भी बन सकता है, ज़रूरी नहीं है रूट लाया कर जाए। तो एम नेगेटिव के लिए क्या ये चीज़ ट्रू है फॉर ऑल पॉजिटिव एक्स? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि देखो, मैंने वाई एक्सिस एक्स एक्सिस बना दिया। अब ग्राफ कैसा भी बनाओ, मान लो ऐसा बनाओ, तो यार ये आगे जाके तो नेगेटिव ही हो जाएगा ना। पॉजिटिव एक्स के लिए हमें, देखो, पॉजिटिव एक्स के लिए हमें ग्रेटर देन ज़ीरो चाहिए। तो क्या अगर एम नेगेटिव हो जाएगा तो क्या इसके लिए, पॉजिटिव एक्स के लिए पॉजिटिव वैल्यू आई क्या? नहीं आई। ऐसा ग्राफ भी अगर बन गया, ऊपर ऊपर करके भी अगर ग्राफ बन गया, तब भी देखो हर एक्स के लिए पॉजिटिव नहीं आया है, हर पॉजिटिव एक्स के लिए पॉजिटिव वैल्यू नहीं आई है। ये ग्राफ भी अगर बन गया, ठीक है, मैं कहने का मतलब है कि अगर एम नेगेटिव हो गया तब पॉसिबल नहीं है केस, है ना। तो एम नेगेटिव क्या हो गया? रिजेक्ट हो गया, है ना। तो अब दूसरा केस है ना, एम पॉजिटिव के लिए करते हैं। एम पॉजिटिव के लिए आप देखिए, या तो ग्राफ ऐसा बना होगा, देखो ये ग्राफ बढ़िया है क्योंकि देखो हर पॉजिटिव एक्स के लिए ग्राफ पॉजिटिव है। ऐसा भी ग्राफ बन सकता है, ऐसा है ना, ऐसा नहीं बन सकता, है ना, क्योंकि इसमें देखो कुछ पॉजिटिव एक्स के लिए ग्राफ नेगेटिव के तरफ चला गया। तो ग्राफ ऐसा, यही दो केस बचे हमारे पास, है ना। अब तुम थोड़ा सोचो, ये ग्राफ रिजेक्ट हो जाएगा पहला वाला, क्यों? क्योंकि इसके रूट देखो नेगेटिव है, तो सम ऑफ रूट्स जब करोगे तो नेगेटिव आएगा, लेकिन यहाँ पे सम ऑफ रूट्स कितना है? 4/m है। अब क्योंकि तुम m को पॉजिटिव मान रहे हो, ये भी पॉजिटिव होना चाहिए, सम ऑफ रूट्स पॉजिटिव होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो सम ऑफ रूट्स नेगेटिव आ गया, तो कॉन्ट्राडिक्शन है ना, तो ये ग्राफ रिजेक्ट हो जाएगा। तो आपके पास ग्राफ ऐसा ही बस बनेगा, तो एक ही ग्राफ पॉसिबल है ये। और ये ग्राफ तब कब बनेगा? जब d लेस देन ज़ीरो होगा। तो अगर मैं एफ एक्स मानूँ इसको, एम एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3m+1, इसका d नेगेटिव कर दो, है ना। 16 माइनस 4 3m+1 इंटू एम मस्ट बी नेगेटिव, तो ये 4 माइनस 3m² ठीक है, माइनस एम इज नेगेटिव, 3m² + m -4 नेगेटिव। तो एक रूट तो 1 दिखता हुआ नज़र आ गया, एक 3m+4 है ना, 3m² ठीक है, दिस मस्ट बी नेगेटिव, ठीक है। तो आपके पास m m आ गया -4/3 से 1, ठीक है, ये आपका आंसर है, नोट कर लो, ठीक है। तो एक आज का लास्ट प्रॉब्लम कर लेते हैं। इफ़ द इनइक्वालिटी x²-2px+3p+4 इज नेगेटिव इज सेटिस्फाइड फॉर एटलीस्ट 1 रियल x, फाइंड द रेंज ऑफ p, ठीक है, एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है ना, x²-2px+3p+4 ठीक है, ये नेगेटिव होना चाहिए कम से कम एक रियल एक्स के लिए। तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा? ऐसा ग्राफ बनना चाहिए इसका, है ना, कम से कम एक रियल एक्स के लिए तो ये नेगेटिव हो। इसका क्या मतलब है कि इसको एक्स एक्सिस को कट करना पड़ेगा, है ना। मान लो एक्स एक्सिस को कट ही नहीं किया तो फिर नेगेटिव तो कभी होगा नहीं ना। अगर कम से कम एक रियल एक्स के लिए भी नेगेटिव होना है तो इसको एक्स एक्सिस को कट करना पड़ेगा। और एक्स एक्सिस को कब कट करेगा? जब इसका रूट लाया करेगा। रूट कब लाया करेगा? जब डी ग्रेटर देन ज़ीरो होगा। इक्वालिटी मत लगा देना, इक्वालिटी में ग्राफ ऐसा बन जाएगा, तो इसमें तो कभी नेगेटिव होगा नहीं ना, इसलिए पॉजिटिव करो डी को। फोर पी स्क्वायर माइनस ये 2p-3p-4 ठीक है, तो इसका एक रूट
माइनस वन दिख रहा है, ठीक है, तो पी प्लस वन आ गया होगा, और ये पी माइनस फोर, ठीक है, माइनस वन है ना इसका रूट, तो आपके पास पी का रेंज आ गया माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन यूनियन फोर से इन्फिनिटी, ठीक है, तो ये आपका आंसर है, ठीक है, नोट कर लो और इस लेक्चर को यहीं एंड करते हैं, ठीक है, बाय।